गाइस, अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने जावा को चलाने का तामझाम इंस्टॉल किया था, जेडीके हम लोगों ने डाली थी और इंटेलिजे आइडिया हम लोगों ने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया था। गाइस, जावा एक बहुत ही खूबसूरत और ताकतवर लैंग्वेज है और हम आज के इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे उस जावा प्रोग्राम को जो कि हमने पिछले वीडियो में लिखा था। गाइस, एक और बात यह है कि ये मेरे इस चैनल का 1000th वीडियो है, तो यार अगर आप लोग नीचे कॉमेंट करोगे कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 1000 वीडियोज तो मुझे बहुत दिल से खुशी मिलेगी। मैंने आप लोगों के लिए चीट शीट नोट सब कुछ इस कोर्स में बना के तैयार कर दिए हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, देखते हैं उस प्रोग्राम को एक बार दोबारा से जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बनाया था, और हम लोग देखेंगे कि वो जो प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया था उसमें क्या चीज क्या थी। गाइस, पर्सनली जब मैं कुछ साल पहले जावा सीख रहा था तब मुझे पैकेज, फंक्शन, क्लासेस, इन सब चीज़ों को समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। और फिर मुझे मेरे एक टीचर ने एक एनालॉजी बताई थी जो कि मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, और उस एनालॉजी के बाद मैं आप लोगों को 100% गारंटी देता हूँ कि आप लोगों को इन सब टॉपिक्स में तो कभी दिक्कत आएगी नहीं अभी, और जब आप लोग एक एडवांस जावा प्रोग्रामर बन जाएंगे तब भी आप लोगों को ये सब चीज़ें काम आने वाली हैं। सो विदाउट फर्दर अडू मैं चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन में और जावा प्रोग्राम को एक बार देखते हैं जो कि हमने पिछले वीडियो में बनाया था। सो गाइस, ये रहा वो प्रोग्राम जो कि हमने पिछले वीडियो में बनाया था। इस प्रोग्राम के टुकड़े करके एक एक चीज आप लोगों को समझाऊंगा, इस प्रोग्राम की एनाटॉमी, इस प्रोग्राम को हम लोग ध्यान से देखेंगे एक एक पार्ट इसका कि क्या चीज इसमें क्या है। तो इस प्रोग्राम को एक बार और गौर से देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसमें पैकेज कॉम डॉट कंपनी लिखा हुआ है। ये पैकेज इन फंक्शंस और क्लासेस को ग्रुप करता है, बट ये फंक्शन और क्लासेस क्या है? हम लोग स्टार्ट करते हैं फंक्शन से। फंक्शन यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नाम का एक फंक्शन है। जब आपके जावा प्रोग्राम में कोई फंक्शन नहीं है और आप चाहते हो कुछ स्निपेट कोड का एग्जीक्यूट हो, तो एक डिफॉल्ट फंक्शन हर जावा प्रोग्राम के अंदर होता है जिसका नाम हमेशा मेन होता है। तो ये मेन वो वाला फंक्शन है। उसी के साथ साथ हम इस फंक्शन के अंदर कोड लिखते हैं। यहाँ पर ये जो कोड लिखा हुआ है हमने, ये एग्जीक्यूट होगा और ये हमने एग्जीक्यूट करवाने के लिए लिखा। अब ये जो फंक्शन होता है या फिर इस तरह के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं वो एक क्लास के अंदर होते हैं। यहाँ पर इस क्लास का नाम मेन है क्योंकि फाइल का नाम मेन डॉट जावा है, तो क्लास का नाम मेन है। इस मेन क्लास के अंदर हमने एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नाम का फंक्शन बनाया और इसको हमने एक कॉम डॉट कंपनी नामक पैकेज के अंदर डाल दिया। पर क्या होता है फंक्शन और क्यों बनती है क्लासेस, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं। तो हम लोग अब देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ जावा प्रोग्राम। तो जावा प्रोग्राम्स में हमारे पास होते हैं फंक्शंस और जावा प्रोग्राम्स में हमारे पास होती हैं क्लासेस। फंक्शन और क्लासेस से मिलकर जावा प्रोग्राम हमारा बना था। फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर फंक्शन के बारे में बताता हूँ। फंक्शन को कुछ आप ऐसा समझ सकते हो, कुछ एक ग्रुप किया हुआ कोड जो कि कुछ काम करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपका फंक्शन है दो नंबर को ऐड करने के लिए, तो वो दो नंबर को ऐड करेगा। आपको जब भी दो नंबर्स को ऐड करवाना है तो आप फंक्शन को यूज़ कर सकते हो, दो नंबर को ऐड करने वाला जो भी आपने बनाया है, और ये फंक्शन आपका काम करेगा जितनी बार आप इसको कॉल करोगे। तो फंक्शन में हम एक सिमिलर तरह का कोड जो है ग्रुप करके संभाल कर रख देते हैं, और जब भी हमको उस कोड को रन करवाना हो तो हम उसको रन करवा सकते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पर एक एनालॉजी देना चाहता हूँ। फंक्शन को आप लोग कुछ ऐसा समझ लो कि जैसे आपके घर में प्लम्बर आता है, प्लम्बर घर में आता है, आपको जब भी प्लम्बर की ज़रूरत पड़ती है आप फ़ोन करते हो प्लम्बर भैया को, और प्लम्बर भैया आकर आपकी टैंकी वैंकी जो भी पानी लीक हो रहा है या आपने वॉश बेसिन तोड़ ताड़ के कुछ उसमें उंगली कर दी, तो वो सारे काम आपके ठीक कर देगा प्लम्बर। और उसी के साथ साथ क्लासेस का यहाँ पर मैं एक और एनालॉजी लेना चाहूँगा। क्लासेस सिमिलर तरह के फंक्शंस का एक कलेक्शन होती है। तो एक क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक क्लास बना रहे हैं जिसके अंदर आपको सारे हाउस होल्ड के काम वगैरह करवाने के फंक्शन चाहिए, तो यहाँ पर आप लोग देखो मैं इस क्लास का नाम रख दूंगा हाउस होल्ड रिपेयर। तो हाउस होल्ड रिपेयर एक क्लास हो सकती है जिसमें आपका प्लम्बर हो सकता है, आपका कारपेंटर हो सकता है, आपका पेंटर हो सकता है, और भी बहुत सारे हाउस होल्ड रिपेयर जो होते हैं वो आप करवा सकते हो इस एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना के। अब आप लोग कहोगे क्लास क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है? क्लास एक टेम्पलेट होती है जिनसे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी एक टेम्पलेट है फॉर्म जिसके अंदर नाम, पता, फ़ोन नंबर और एज लिखा है, तो आपने एक बार उस फॉर्म को भर के एक एंटिटी बना दी तो वो उसका एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा।
पर आप लोग कहोगे कि ठीक है फंक्शन समझ में आ गया, कोई भी एक कोड जो कि एग्जीक्यूट होता है कुछ एक पर्टिकुलर काम करने के लिए, जैसे कि स्केप्स में प्लम्बर था हमारे पास जो कि हमारी नाली वगैरह टंकी में कोई भी इशू है तो वो ठीक करता है, तो वो हम कॉल कर लेंगे प्लम्बर को और प्लम्बर ठीक कर देगा। क्लासेस हमारी होती हैं इस तरह के सिमिलर फंक्शंस को एक ग्रुप करके एकजुट करने में काम आती हैं, जैसे कि आप क्लास बना सकते हो हाउस होल्ड रिपेयर की और इसके अंदर सारे आपके फंक्शंस होंगे, आपका प्लम्बर होगा, कारपेंटर होगा और भी कोई चीज़ है जैसे कि पेंटर है और आपका मेसन है, सब लोग इसमें आपके हो सकते हैं और आपको जिसको बुलाना है आप डायरेक्टली उस फंक्शन को कॉल करके बुला सकते हो। तो आपने सिमिलर फंक्शंस को ग्रुप कर दिया, आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है रन करने के लिए, लेकिन इस केस में हम लोगों ने फंक्शन नहीं बनाया था जैसे कि आप लोगों को मालूम है। ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमने स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल किया है। वॉइड मेन में जो वॉइड है हमारा वो ये बता रहा है कि ये फंक्शन कॉल होने के बाद कोई भी वैल्यू रिटर्न में नहीं देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप घर से किसी को पैसे कलेक्ट करने के लिए भेजते हो तो वो आकर आपको पैसे रिटर्न में देता है, आप उसका इंतजार कर रहे हो, लेकिन अगर आप किसी को किसी का घर ठीक करने के लिए, जैसे मान लो मेरे घर में एक प्लम्बर है, मैं भेज रहा हूँ कि भाई शुभम का घर में टंकी लीक कर रही है उसको ठीक कर दो करके अपने घर चले जाना, तो मैं कुछ रिटर्न में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो जब कोई फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करता है तो यहाँ पर किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो ये आता है, जैसे कि इस केस में यहाँ पर वॉइड लिखा हुआ है, वॉइड का मतलब कुछ नहीं, मुझे रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। मेन फंक्शन का नाम है, एक जावा प्रोग्राम के अंदर जब आप स्टार्ट कर रहे हो प्रोग्राम, स्टार्टिंग पॉइंट मेन होगा इस क्लास में, मेन फंक्शन से आपका जावा प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट होता है। फिर यहाँ पर पब्लिक जो है वो एक्सेस मॉडिफायर है, पब्लिक का मतलब यहाँ पर ये है कि जो आपकी ये क्लास का मेथड है इसको कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, हम फ्यूचर में इनके बारे में और पढ़ेंगे। स्टैटिक के बारे में अगर आप लोगों को बताऊं तो स्टैटिक हमारे लिए मुमकिन करवाता है कि हम बिना ऑब्जेक्ट बनाए क्लास का इस फंक्शन को रन कर सकें। तो अगर मैं किसी भी फंक्शन को किसी क्लास के ऑब्जेक्ट से डिसोसिएट कर दूं, यानी कि उसका क्लास के ऑब्जेक्ट से मतलब ना रहे, वो एक इंडिपेंडेंट फंक्शन की तरह इस्तेमाल हो पाए एंड एट द सेम टाइम क्लास के अंदर रिसाइड कर पाए, मैं उसको स्टैटिक मेथड बना दूंगा। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वही है। अब यहाँ पर स्ट्रिंग आर्ग्स जो है, जो आर्ग्यूमेंट्स हैं इस फंक्शन को मिलेंगे वो इसके अंदर, बट अगेन हम लोग फ्यूचर में इस चीज को देखेंगे डिटेल में, कोई भी दिक्कत वाली बात अभी आप लोगों को नहीं आनी चाहिए। अब आपने एक चीज यहां पर नोटिस की होगी कि जो मेन हमने लिखा, यानी कि जो क्लास का नाम हमने लिखा वो कैपिटल में लिखा है स्टार्टिंग वाला जो हमारा वर्ड है, लेकिन जो हमने फंक्शन लिखा वो हमने यहाँ पर स्मॉल लेटर्स में लिखा, लोअर केस में लिखा है। तो मैं यहाँ पर अब आप लोगों को नेमिंग कन्वेंशंस जो कि हम जावा में यूज करते हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। तो क्लासेस के लिए हम लोग पास्कल कन्वेंशन का यूज़ करते हैं। पास्कल कन्वेंशन का मतलब होता है कि आप जो हमारा वर्ड है उसका पहला लेटर है उसको आप लोग अपर केस रखेंगे, यानी कि कैपिटल रखेंगे। उसी के साथ साथ जैसे जैसे आपका वर्ड चेंज होता जाएगा, जैसे मान लो माय नेम इज़ हैरी, मुझे लिखना है तो एम कैपिटल करूँगा मैं, एन को कैपिटल करूंगा, इस के आई को कैपिटल करूंगा, हैरी के एच को कैपिटल करूंगा, पहला वाला जो मेरा लेटर है वो भी कैपिटल होगा। हम फंक्शंस के लिए लेकिन कैमल केस का इस्तेमाल करते हैं। कैमल केस कन्वेंशन कुछ इस तरह से दिखाई देती है। इसमें पास्कल नोटेशन से जो हमारी पास्कल नेमिंग कन्वेंशन है और कैमल केस कन्वेंशन है, इन दोनों में डिफरेंस यही होता है, जो कैमल केस कन्वेंशन है इसका पहला लेटर लोअर केस होता है। क्लासेस में हमारे पास्कल कन्वेंशन का पहला लेटर अपर केस है, तो पास्कल कन्वेंशन, कैमल केस कन्वेंशन। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कैमल केस इस तरह से लिखा जा रहा है, पास्कल में पहला जो लेटर है वो भी कैपिटल है और उसी के साथ साथ हमारा दूसरा, तीसरा, चौथा, बाकी जितने भी हमारे वर्ड्स आएंगे उनका पहला लेटर कैपिटल होगा। तो कोई भी इसको ऐसे पढ़ सकता है, कैमल केस कन्वेंशन विदाउट हैविंग टू पुट स्पेस इनसाइड द फंक्शन नेम। ठीक है, सो ये है पास्कल कन्वेंशन, ये है कैमल केस कन्वेंशन। क्लासेस के लिए जावा में हम लोग यूज करेंगे पास्कल कन्वेंशन, फंक्शंस के लिए कैमल केस कन्वेंशन हम लोग यूज करेंगे। गाइस इस पॉइंट पर आई वांट यू टू टेक अ स्टेप बैक, और बिल्कुल भी अगर आप लोगों को चीज़ें यहाँ पर कुछ ऐसी हुई जो कि समझ में नहीं आई, मैं कहूँगा कि अभी हम लोगों ने अपनी जर्नी सही से स्टार्ट भी नहीं करी है जावा की। आप लोगों को अगर ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा लग रही हैं, स्टैटिक, वॉइड, पब्लिक, तो आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एट द सेम टाइम अगर आप लोगों को नेमिंग कन्वेंशन में दिक्कत हुई, तो मैं बता रहा हूँ किसी भी एक शब्द को लिखने का, जैसे कि ऐड टू नंबर्स मुझे लिखना है तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ। अगर मैं इसी ऐड टू नंबर्स को पास्कल नेमिंग कन्वेंशन से लिखूं तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिखूंगा, ए कैपिटल बनाऊंगा और फिर यहाँ पर मैं टू लिख दूंगा और फिर मैं यहाँ पर नंबर लिख दूंगा। और अगर मैं इसको कैमल केस में लिखूं तब मैं क्या करूंगा, मैं स्मॉल ए बनाऊंगा ऐड और बाकी चीज़ें बिल्कुल जैसे मैंने पास्कल में लिखी हैं वैसे ही लिख दूंगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये है मेरा
पास्कल नेमिंग कन्वेंशन, और यह है मेरा कैमल केस नेमिंग कन्वेंशन। और ये हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर जो आइडेंटिफायर है उसके नाम में स्पेसेस अलाउड नहीं होती। अगर मैं फंक्शन बना रहा हूँ नाम में स्पेस अलाउड नहीं होगी, अगर मैं कोई वेरिएबल का नाम बना रहा हूँ तो नाम में स्पेस अलाउड नहीं होगी, इसलिए हमें इन दोनों में से कोई एक चीज़ चुननी पड़ती है। क्लासेस के लिए हम लोग चूज़ करते हैं पास्कल नेमिंग कन्वेंशन और फंक्शन के लिए कैमल केस नेमिंग कन्वेंशन। तो कभी भी आपको इस तरह की कन्वेंशन दिखे तो मोस्ट प्रोबेबली प्रोग्रामर जो है वो एक फंक्शन की बात कर रहा है, एक फंक्शन बना हुआ है। अगर इस तरह की नेमिंग कन्वेंशन दिखती है तो वो मोस्ट प्रोबेबली एक क्लास है। एट द सेम टाइम आप लोगों ने ये सोचा होगा कि राइट योर कोड हियर क्या लिखा हुआ है, ये कमेंट है। जब भी हम डबल फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पर लगा देते हैं तो आपका जो जावा कंपाइलर और इंटरप्रेटर है वो यहाँ पर इग्नोर कर देता है इस लाइन को, इस लाइन को प्रोसेस नहीं करेगा जावा और इसको इग्नोर कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने ये तीन लाइन लिखी हैं तो इनको जावा इग्नोर नहीं करेगा बाय डिफॉल्ट। मैं इसको रन करूँगा तो मुझे एरर मिलेगा और मुझे बोला जाएगा कि यार ये क्या लिख दिया, दिस इज़ नॉट वैलिड। बट एट द सेम टाइम अगर मैं इनमें कुछ इस तरह से ऐसे ऐड कर देता हूँ और बता देता हूँ जावा को कि भाई जावा ये मैंने ऐसे ही लिखे हुए हैं अपने नोट्स के लिए, इनको इग्नोर मारो, तो ये इग्नोर मार देगा। तो अभी मैं रन करूँगा तो मेरा आउटपुट जैसे पहले आ रहा था वैसे ही आ जाएगा, देखो हेलो वर्ल्ड। ठीक है, सो ये था जावा प्रोग्राम के बारे में। हमने जावा प्रोग्राम के बारे में देखा क्या चीज़ क्या होती है जावा प्रोग्राम में। पैकेज के बारे में अगर बात करूँ, फॉर इंस्टेंस आप एक कंपनी के लिए कोई कोड लिख रहे हो, मान लो एक माइक्रोसॉफ्ट के लिए आप कोड लिख रहे हो जिसमें आप लोग उनको एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हो। एट द सेम टाइम मान लो आप लोग गूगल के लिए एक सॉफ्टवेयर लिख रहे हो जिसमें मान लो आप उनको कुछ और बना के दे रहे हो, फॉर इंस्टेंस आप उनको ऑटोमेटिक रिसीट के लिए कुछ बना कर दे रहे हो, तो वहाँ पर आप लोग जो पैकेज का नाम है उसको डिफरेंट कर सकते हो और अपनी क्लासेस को जिस भी पैकेज के लिए आपने बनाई है उसमें डाल सकते हो। तो क्लासेस को ग्रुप करने के लिए, सिमिलर तरह के कोड को ग्रुप करने के लिए यहाँ पर एक पेरेंट पैकेज यूज़ होता है जावा में, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनी के नाम से एसोसिएट किया जाता है, ताकि एक कंपनी के लिए आपने जो कोड लिखा है वो आप लोग वहाँ पर उसका नाम लिख दो और उसको यूनिक आप लोग रखना चाहोगे, क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि ये नाम जो है वो किसी और के नाम से कॉन्फ्लिक्ट करे, किसी भी तरह से मैच करे। सो ये थी हमारे जावा प्रोग्राम की एनाटॉमी। हमने जावा के प्रोग्राम को डाइसेक्ट किया, एक एक चीज़ को देखा, बट अगेन अभी बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को बाकी हैं। तो अगर इस वीडियो में कोई भी चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आई या आप लोगों को लगता है कि यार ये तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, मुझे तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन एब्जॉर्ब करने में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, तो दैट्स टोटली नॉर्मल। अभी आप लोगों को जितना समझ में आता है आप उतना ले लो, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में मैं डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूँ। वेरिएबल भी नहीं बनाया अभी तक हमने कोई एक कस्टम फंक्शन भी नहीं बनाया है, तो ये नॉर्मल है कि आप लोग अगर एक बिगिनर है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं जस्ट आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ क्योंकि ये वीडियो आप लोगों को ये फील करा सकता है कि यार ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल हैं। बट मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा आप लोगों का हाथ पकड़ के मैं आगे आप लोगों को लेकर चलूंगा जावा प्रोग्रामिंग में, और आपकी कितनी भी एज हो, आप कितने भी छोटे हों कितने भी बड़े हों, बिल्कुल भी कोई मैटर नहीं करता है, मैं यहाँ पर स्टार्टिंग से एंड तक इस कोर्स को लेकर जाऊँगा। गाइस आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया और अभी तक आप इस कोर्स को एंजॉय कर रहे हैं। इस कोर्स में मैं स्टार्टिंग से लेके और पूरे एंड तक सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को जावा के बताने वाला हूँ। तो आप लोगों से मेरी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करके और शेयर भी कर दो। आप लोगों के लिए मैंने नोट्स, चीट शीट और भी कोई रिसोर्सेज अगर मुझे लगती हैं देनी है आपको, सब मैं नीचे पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसकी टेंशन आप लोगों को लेनी नहीं है। आप मेरे पास जावा सीखने आए हो तो इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी कि मैं आप लोगों को पूरा प्रो लेवल जावा प्रोग्रामर बनाऊंगा, बट मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप भी अपना पार्ट करें। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, इस कोर्स की प्लेलिस्ट को आप अगर इंस्टाग्राम वगैरह पे शेयर करते हैं तो मुझे दिल से खुशी होगी। पिंट कमेंट में मैं डाल दूंगा अपना इंस्टाग्राम का जो हैंडल है, आप स्क्रीनशॉट लेकर उसको शेयर करना, और शेयर करने के साथ साथ आप लोग मुझे टैग करना मत भूलना ताकि मैं आपकी स्टोरी को दोबारा से शेयर कर दूँ। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतने गाइस, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।